नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे उस विषय की जिससे मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी और जो मध्यम उम्र की पीढ़ी है वह बहुत ज़्यादा ग्रसित है। जी हाँ, बात करेंगे नर्वसनेस की। नर्वसनेस अब वह स्थिति हो गई है कि लगभग मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं नर्वस है, और जब आप नर्वस होते हैं तो आपके हौसले में कमी आती है, और जब आपके हौसले में कमी आती है तो आपकी जीत में कमी आती है, और जब आपकी जीत में कमी आती है तो आप में बेचैनी, एंजाइटी के डिसऑर्डर और पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं। यह जो पैनिक अटैक्स होते हैं इसका बड़ा डेट्रीमेंटल, बड़ा ही खतरनाक इफेक्ट होता है आपके जीवन में, नेगेटिव इफेक्ट होता है। हम आपको बताएंगे साथियों नर्वसनेस को दूर करने की, आपके एंजाइटी डिसऑर्डर को दूर करने की, आपके पैनिक अटैक्स को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। वह दवाएं जो आपके एंजाइटी डिसऑर्डर को ख़त्म करके आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बनाएंगी। यूं तो जो यह नर्वसनेस होती है बड़ी कॉमन बात होती है, बड़ी सामान्य सी बात होती है, लेकिन जब यह अपनी उस सामान्य स्थिति को पार कर जाती है तो यह आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स लाती है। इसके तमाम सिम्टम्स होते हैं नर्वसनेस के, जिसमें कि जब व्यक्ति नर्वस होता है तो उसका पेट खराब हो जाता है, नर्वस होता है व्यक्ति तो उसका पैल्पिटेशन, उसकी धड़कन बढ़ जाती है, उसको पसीना आने लगता है, उसको थकान आने लगती है, कमज़ोरी आने लगती है। इस तरह के तमाम सिम्टम्स होते हैं जब वह नर्वस हो जाता है। उसको एक नींद वाली स्थिति आ जाती है जिसमें कि डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस होती है। नर्वसनेस के साथियों कारणों की बात कर लें, नर्वसनेस के तमाम कारण हो सकते हैं। आज तक मेडिकल साइंस में नर्वसनेस क्यों आती है इसका कोई ठोस बात नहीं है। बहुत लोग इसको जो ब्रेन में न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, कई स्कॉलर उससे इस घटना को जोड़ते हैं। कुछ लोग मेडिकल स्थितियों से नर्वसनेस को जोड़ते हैं, जो आपका मेडिकल कंडीशंस होती हैं, अन्य किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी को रूमेटिक डिजीज़ है, इस तरह के जो डिजीज होते हैं उससे नर्वसनेस को जोड़ते हैं। तो इसके ये तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन नर्वसनेस है और ख़ास तौर से हमारे आज की युवा पीढ़ी में एक हताशा है, एक घबराहट है, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं। हम आपको बताएंगे 10 ऐसी कारगर दवाएं जो आपके इस नर्वसनेस को ख़त्म करेंगी और आपको स्वस्थ करेंगी। निवेदन यही है साथियों, कोई भी दवा हो किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा, क्योंकि हर दवा के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और यह आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं। लेकिन ये सही है कि युवा पीढ़ी आज बहुत नर्वस है, बहुत घबराई हुई है, एक मन में कौतूहल हर समय बना रहता है, तो शायद यह वीडियो आपके लिए बहुत कारगर होगा। बताते हैं आपको नर्वसनेस को ख़त्म करने की, यानी घबराहट को ख़त्म करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। साथियों, नर्वसनेस को दूर करने की होम्योपैथी में नंबर एक दवा है कैलेडियम। कैलेडियम वह स्थिति की दवा है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा नर्वस रहता है, इतना नर्वस रहता है कि वह कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, कहीं नहीं जा पाता, बंद कमरे में रहता है, और कहिए वो अखबार को जो है वो उसका गोला बनाने लगे, उसको मोड़ के या इस तरह की हरकत करने लगे। तो अगर आप में नर्वसनेस महसूस होती है तो आप एक बार कैलेडियम ट्राई कर सकते हैं। कैलेडियम एक्सट्रीम नर्वसनेस की बहुत कारगर दवा है, यह आपकी नर्वसनेस को दूर कर देगी। कैलेडियम का पेशेंट को इतना नर्वस होता है कि वह अपनी परछाई को देख के भी नर्वस हो जाता है, अपना जो शेडो पड़ता है फर्श पर या दीवार पर उसको देख के नर्वस हो जाता है। तो अगर इस स्थिति की आपकी नर्वसनेस हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में निश्चित दवा कैलेडियम है। आप कैलेडियम 30 लेकर अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, ख़ास तौर से हमारी युवा पीढ़ी जो कि छोटी छोटी बातों पे आजकल परेशान हो जाती, घबरा जाती है, तो उनकी घबराहट दूर करने की होम्योपैथी में दवा कैलेडियम है। एक स्थिति साथियों किसी को आ सकती नर्वसनेस में कि उनको कुछ भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, आप उनके लिए कुछ भी ला दीजिए लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज हर समय घबराया रहता है, नर्वस रहता है और डिससेटिस्फाइड रहता है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है क्रियोजोटम।
आप क्रियोजोर 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा मन के आपके इस तरह की उलझन को दूर करेगी, आपको बेहतर करेगी और जो आपके डिससेटिस्फैक्शन की स्थिति है इसको ख़त्म करके आपके जीवन को संतुष्टि की ओर ले जाएगी। एक स्थिति साथियों आती है नर्वस पेशेंट में कि नर्वस पेशेंट मारपीट पर उतर आते हैं, वो लोगों को मारने पीटने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं और वहाँ बहुत नर्वस होते हैं। तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा उस घबराहट को दूर करने की, उस घबराहट जिसके कारण कि आप इस तरह की वेग हरकत कर रहे हैं, बहुत कारगर दवा है आयोडम। आयोडम 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वह हर व्यक्ति ले सकता है जिसको कि लड़ाई झगड़े मारपीट की आदत हो, मारपीट करने लगता हो, दुबला पतला हो, कमज़ोर हो और उसे गर्मी बहुत लगती हो। तो अगर यह सिम्टम्स आप में है और आपके मन में नर्वसनेस या घबराहट बनी हुई है तो आपकी नंबर 1 ड्रग ऑफ द चॉइस इस स्थिति के लिए आयोडम है। इसको आप वीकली लेकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है किसी को हो सकती है और ख़ास तौर से हमारे छात्रों को होती है कि वो एग्ज़ाम देने गए उससे पहले उनको पॉटी आ गई, डायरिया आ गया, यूरिन आने लगी, इस तरह की नर्वसनेस हो गई। तो अगर आपको एग्ज़ाम जाने से पहले नर्वसनेस या घबराहट है तो उसको ठीक करने की नंबर 1 दवा होम्योपैथी में अर्जेंटम नाइट्रिकम है। आप अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार अपने बच्चे को दे सकते हैं। अगर वह एग्ज़ाम जाने से पहले बहुत घबराता है तो अर्जेंटम नाइट्रिकम ऐसे मरीज को ठीक करके उसको एग्ज़ाम में और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि आप पे लगातार दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और आप नर्वस हो गए। तो अगर यह स्थिति हो कि आप में बहुत ज़्यादा मेंटल एग्जर्शन रहा हो, आपको समय ख़राब रहा हो और अब आप नर्वस हो जाते हो, या कोई ऐसा हादसा ट्रॉमा हुआ हो जिसके बाद आप नर्वस हो जाते हो, तो अगर यह स्थिति है साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एसिड फॉस्फोरिकम। आप एसिड फॉस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपकी नर्वसनेस को ख़त्म करेगी, आपको मेंटल एग्जर्शन से जो थकान आई है उसको ख़त्म करेगी, मन की घबराहट को दूर करेगी और आपको स्वस्थ करेगी। एसिड फॉस डायबिटीज़ की भी बहुत अच्छी दवा है। तो अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और उसको नर्वसनेस बहुत जल्दी आती है तो उसको ठीक करने की नंबर 1 दवा एसिड फॉस है। एक स्थिति साथियों आती है नर्वसनेस यानी घबराहट में कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, आप कहीं आते जाते नहीं हैं, आप पानी तक पीना नहीं होता और डलनेस डिजीनेस ड्राउजीनेस रहती है। तो अगर यह स्थिति आप में हो कि आपको डलनेस डिजीनेस ड्राउजीनेस और वीकनेस कमज़ोरी बनी रहती हो और उस स्थिति में आपके नर्वसनेस यानी घबराहट को दूर करने की बहुत कारगर दवा है जलसीमियम। जलसीमियम हर उस मरीज के लिए बहुत कारगर दवा है जिसको हर वक्त कमज़ोरी का एहसास रहता हो, प्यास उसको बिल्कुल ना लगती हो। तो अगर आप में डलनेस ड्रिजीनेस ड्राउजीनेस वीकनेस या 4 सिम्टम है और आपको प्यास नहीं लग रही और आपको हर समय नर्वसनेस यानी घबराहट रहती है तो उसकी बहुत कारगर दवा जलसीमियम है। जलसीमियम उन हर छात्रों की भी बहुत कारगर दवा है नर्वसनेस की जो एग्ज़ाम जाने से पहले जिनको बहुत घबराहट होती है। अगर एग्ज़ाम जाने से आपको घबराहट हो रही है एग्ज़ाम फेस करने से तो उसकी दवा जलसीमियम है। दूसरी दवा उसकी अर्जेंटम नाइट्रिकम भी है लेकिन जलसीमियम इसकी अच्छी दवा है। एक स्थिति साथियों आती किसी में नर्वसनेस की कि आप किसी भारी बीमारी से गुजरे हो और अब आप उसके बाद नर्वस हो गए हो, खास तौर से टाइफाइड फीवर जैसे बैक्टीरियल डिजीज से। तो अगर यह स्थिति आप में हो साथियों तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैस्टेरियम। आप कैस्टेरियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा जो आप भारी बीमारी या सिकनेस से निकले हों और अब आप नर्वस हो गए हों या मन घबराता हो तो उस मन की घबराहट को भी दूर करेगी और आपके दिमाग को स्ट्रांग बना के यह कैस्टेरियम नाम की दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है किसी में आ सकती है ख़ास तौर से महिला या पुरुष में कि जब महिला को लगता है कि पुरुष उसको हर समय वॉच कर रहा है या पुरुष को लगता है कि महिला उसे हर समय वॉच कर रही है और कई लोग उसके पीछे लगा दिए हैं और उसके मन में इससे नर्वसनेस इस सोच से मन में नर्वसनेस और कंफ्यूजन रहता है या फिर उसका बिजनेस फेल हो गया है, तो इस तरह के लोगों में अगर नर्वसनेस
रहे, मन में घबराहट रहे, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कोलोसिंथ। कोलोसिंथ 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार हर वह व्यक्ति ले सकता है जो व्यक्ति घबराता हो कि दूसरे की उस पर नज़र है और इससे वह नर्वस हो जाता हो, तो कोलोसिंथ आपको इस समस्या से निकाल के आपको स्वस्थ करेगी। कोलोसिंथ पेट में दर्द की भी बहुत अच्छी दवा है। किसी को अगर पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा हो कि उसको पेट पकड़ के झुकना पड़े तो भी वह कोलोसिंथ लेके उस पेट दर्द से आराम पा सकता है। एक स्थिति साथियों आती है हम लोग के घर के बच्चों में, छोटी उम्र की जो लड़कियां होती हैं या लड़कियों में, कि वह बहुत नर्वस हो जाती हैं। तो अगर घर में बच्चियां या लड़कियां बहुत नर्वस हो जाएं और बेचैन यानी रेस्टलेस हो जाएं, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एपिस मेलिफिका। आप एपिस मेल 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकती हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस आती हो, एंजाइटी बहुत ज़्यादा आप में होती हो यानी बेचैनी होती हो, रेस्टलेसनेस होती हो, घबराहट होती हो, तो आपके मन की घबराहट पूरी तरह से दूर होगी और आप स्वस्थ होंगे। आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस एपिस मेल है। एपिस मेल के मरीज को प्यास बहुत कम लगती है, तो अगर आपको प्यास कम लगती है तो आपकी निश्चित दवा एपिस मेल है। एक स्थिति आती है साथियों, किसी को आ सकती है कि उसको शोर से बहुत दिक्कत हो, जरा सा म्यूजिक भी नहीं सुन सकता, अगर म्यूजिक सुन लिया तो आत्महत्या के लिए चला जाएगा। बार बार बस वो दरवाज़ा कहीं बंद हो गया तो वो भी उसको उलझन है। तो अगर उसको इतनी ज़्यादा घबराहट होती हो, नर्वसनेस हो जाती हो किसी भी आवाज़ से, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नैट्रम कार्बोनिकम। आप नैट्रम कार्ब 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मन की उलझन को भी दूर करेगी, मन की घबराहट को भी दूर करेगी, नर्वसनेस को ख़त्म करेगी और जो आपको ज़रा ज़रा से शोर से भी परेशान हो जाते हैं वह परेशानी ख़त्म करके आपको मेंटली स्वस्थ बनाएगी। तो अगर आपको आवाज़ों से दिक्कत है तो एक बार आप नैट्रम कार्ब ले सकते हैं 200 पावर में। यह दवा आपको स्वास्थ्य लाभ देगी ऐसी उम्मीद है। फिर साथियों एक दवा जो एक नंबर एक दवा, एक मुख्य दवा भी है कैलेडियम के साथ, जो दूसरी दवा है जिसको नंबर एक दवा होम्योपैथी में क्लासिफाई करा जा सकता है नर्वसनेस की, वह हम सब जानते हैं और वह है कालीफॉस। अगर कालीफॉस का जिक्र ना हो तो ये वीडियो अधूरा रहेगा। तो अगर आपको नर्वसनेस है, आपको नींद नहीं आती है, डलनेस बनी है, डिजीनेस बनी है, घबराहट होती है और डर लगता है, तो आप कालीफॉस 6x पावर की 4 टेबलेट सुबह 4 शाम गुनगुने पानी से ले सकते हैं। यह दवा आपकी नर्वसनेस को दूर करके आपको स्वास्थ्य लाभ देगी। एक स्थिति साथियों किसी में आ सकती है कि आपको बहुत नर्वसनेस और घबराहट रहती हो और आपको नींद ना आती हो। तो अगर यह स्थिति आप में है साथियों कि आपको बहुत नर्वसनेस और घबराहट रहती हो और आपको नींद ना आती हो और आपको लक्ष्य और मंजिल मिलती भी हो अपनी तो आपको खुशी ना होती हो, तो अगर यह मेंटल स्टेट आपकी है तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है कॉफिया क्रूडा। आप कॉफिया 200 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले लें। वो हर व्यक्ति जिसको कि अपनी सफलता पे खुशी नहीं होती है, नींद नहीं आती है और मन में नर्वसनेस और घबराहट बनी रहती है। फिर साथियों एक स्थिति आती है नर्वसनेस की कि व्यक्ति में इतनी नर्वसनेस यानी घबराहट है कि वो लेटा पड़ा है, बस हफ्तों दिनों लेटा पड़ा है और अगर उंगलियां भी उसकी आपस में छू जाती हैं तो वह बहुत नर्वस हो जाता है, एकदम से घबरा जाता है। तो अगर इस स्तर की आप में घबराहट या आपके घर में किसी के परिवार मोहल्ले रिश्तेदार जानने वालों किसी के मन में इस तरह की घबराहट होती हो, नर्वसनेस रहती हो, तो उसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लैककैन। लैक कैन 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप उस हर मरीज को दे सकते हैं जो कि इतना घबराता है, इतना नर्वस रहता है कि पड़ा रहता है, मतलब लेटा पड़ा रहता है, बस पलंग बिस्तर है नहीं छोड़ता। तो ऐसे व्यक्ति को बिस्तर से उठाने, उसकी नर्वसनेस को ख़त्म करने, उसके हौसले को बढ़ाने, उसकी घबराहट को कम करने और इस बेदर्द दुनिया इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल व्यक्ति को व्यक्ति का लिहाज नहीं बचा, बहुत कम ऐसा होता है। शायद मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ ऐसे लोग रहे जो मेरा लिहाज करते रहे, लेकिन अब दुनिया उतनी अच्छी नहीं रही। तो अगर ऐसे लोगों से लड़ने के लिए जो है नर्वसनेस दूर करने के लिए वो व्यक्ति जो पलंग पे पड़ा रहता है उसके लिए दवा लैक कैन है। एक साथियों किसी की स्थिति आ सकती है जो कि काफ़ी लोगों के आ सकती है और बहुत कॉमन होती है कि आप इरिटेबल बहुत हैं, आपके मन में नर्वसनेस है, घबराहट है और आप
जो है बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं उस कारण। आपको ना आवाज़ पसंद है, ना महक पसंद है, ना शोर पसंद है, ना लाइट पसंद है, कुछ भी नहीं पसंद है। तो अगर ऐसी स्थिति है और आपके मन में घबराहट बनी हुई है, नर्वसनेस बनी हुई है, तो उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है नक्स फॉर्मिका। नक्स फॉर्मिका 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं आप। अगर आप कुछ छोटी छोटी चीज़ों से परेशानी हो जाती हो, उससे आप लड़ने लगते हो, सपोज़ करिए आप चल रहे रास्ते में कोई स्टूल आ गया, अब स्टूल रास्ते में रखा है साहब, यही क्यों यहाँ रखा है, ये आपकी कहीं ना कहीं नर्वसनेस या घबराहट है। और इसको ठीक करने की बहुत कारगर दवा साथियों है नक्स फॉर्मिका। आप नक्स फॉर्मिका एक बार लेकर देखें और आप इसके फायदे का एहसास करें। फिर साथियों एक स्थिति आ सकती है किसी महिला या पुरुष के सामने कि उसके परिवार में उसका साथी या पार्टनर गुजर गया हो, हस्बैंड का वाइफ गुजर गई हो या वाइफ का हस्बैंड गुजर गया हो, और उससे फिर उसको सेक्सुअल मिसिंग कर रहा हो, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन फिर उसको आगे ना मिल पा रहा हो। तो यह स्थिति अगर है कि आप फिजिकल रिलेशन ना बना पा रहे हो क्योंकि आपके साथी इस दुनिया में नहीं रहा और उससे आप ग्रीव्ड या नर्वस रहते हो, तो अगर यह स्थिति हो तो इसको दूर करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कोनियम मैक्यूलेटम। कोनियम मैक 31 पावर में, बल्कि कोनियम मैक 1 पावर में आप 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले सकते हैं। यह दवा आपको जो सेक्सुअल प्लेजर नहीं मिल पा रहा है और उससे आप परेशान हैं, नर्वस हो गए हैं, घबरा रहे हैं, तो वह यह दवा आपकी उस परेशानी में कहीं ना कहीं मदद करके आपको जहनी तौर पे आराम देगी। एक स्थिति साथियों आती है बहुत मरीजों में जिनको नर्वसनेस और घबराहट रहती है और वो किसी चीज से खुश नहीं होते, तो अगर यह स्थिति हो कि उनका चाहे कोई लक्ष्य पूरा हो जाए, चाहे उन्हें कुछ मिल जाए, चाहे उन्हें अलादीन का चिराग मिल जाए, तब भी वो खुश नहीं होंगे, तो अगर ऐसी स्थिति किसी में है, उसमें नर्वसनेस और घबराहट बनी हुई है, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है ऑरम मेटालिकम। आप ऑरम मेट 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। यह दवा आपके मन की उस घबराहट और उलझन और नर्वसनेस को ख़त्म करेगी जो आप बिल्कुल आपके स्वभाव में शामिल हो गई है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ऑरम मेट लीजिए, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, आपके मन की नर्वसनेस और घबराहट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर साथियों एक स्थिति किसी में आ सकती है कि बिल्कुल एक्सट्रीम पे उन्होंने, उनको नर्वसनेस और घबराहट है, उन्होंने परेशानी क्रिएट करी, लड़ झगड़ लिए, सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो बिल्कुल कमज़ोर हो गए। तो अगर यह एक्सट्रीम्स की बात होगी, पहले तो इतना जोश से लड़े झगड़े अपनी नर्वसनेस और घबराहट के कारण, और फिर जब शांत हुए तो ऐसा शांत हुए कि बिल्कुल ही पड़ गए, फिर हिले भी नहीं, तो अगर ऐसी स्थिति हो कि जिसमें ये एक्सट्रीम्स पे काम हो कि गुस्से हुए तो इतने हो गए, शांत हुए तो ऐसे हुए कि बिल्कुल शांत हो गए, अगर इस तरह के एक्सट्रीम्स पे काम हो तो और आपके मन में नर्वसनेस या घबराहट हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैम्फोरा। आप कैम्फर 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपके एक्सट्रीम्स की दिक्कत है, यानी पहले जोश में आए तो बहुत ही जोश में आ गए और उतरे तो बिल्कुल ही उतर गए, तो अगर ऐसी स्थिति है तो उस स्थिति में आपके नर्वसनेस और घबराहट को दूर करने की बहुत कारगर दवा कैम्फोरा है। ये साथियों कुछ दवाएं थी नर्वसनेस यानी घबराहट को ख़त्म करने की। आजकल जैसा मैंने कहा युवा पीढ़ी में यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है। एक पहले का दौर था कि बहुत दमदार लोग हुआ करते थे, दमदार इन द सेंस कहीं भी जाके अपनी एक धाक जमा लेते थे, उनमें कोई नर्वसनेस नहीं होती थी। अनजान आदमी बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, बड़े से बड़ा कोई लॉयर हो, बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति हो, उसको फेस कर लेते थे। लेकिन आप इस बात को हो सकता है जहाँ तक हमसे एतबार करेंगे कि अब वो बात नहीं है। आज के हमारे बच्चे घबराते हैं, उनमें कोई बोल्डनेस नहीं बची, वो किसी सरकारी विभाग में चले जाओ तो कोने में जाके बैठ जाते हैं और ये सोचते हैं कि कोई पैसे के लेन देन वाला, घूस देने वाला मिला तो उसको पैसा दे के अपना काम करा लें। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अधिकारी तक जाके अपनी बात रख सके। अधिकारी, सभी अधिकारी बेईमान नहीं होते हैं, अगर वो अपनी बात को अधिकारी तक रखे तो हो सकता है बिना पैसे दिए भी उनका काम हो जाए। लेकिन ये जो नर्वसनेस है, घबराहट है, ये हमारी युवा पीढ़ी को
बोल्ड नहीं होने देती। आप कपड़े पहनने में बोल्ड हो सकते हैं, अपने घर के दायरे में बोल्ड हो सकते हैं, जो चीज़ आपके हाथ में आप उसको दिखाने में बोल्ड हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स को फेस करने में आप आज बोल्ड नहीं हैं। तो यह दवाएं हैं नर्वसनेस की। इन दवाओं में से आप अपने सिम्टम तलाश के अपने भला कर सकते हैं। एक बात साथियों ध्यान रहे, दवाएं जानकारी मात्र के लिए हैं। कोई भी दवा किसी कुशल चिकित्सक से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा, क्योंकि दवा और सिम्टम व्यक्ति टू व्यक्ति भिन्न होते हैं। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर आपके मन में साथियों कोई क्वेरी हो, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर अपनी क्वेरी को व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब नोटिफिकेशन पैनल में आप अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको संतोषजनक जवाब दे पाएं। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।